उल्लास। आइए उल्लास के साथ रिवाइज करें अपना एक नया चैप्टर, वो है चैप्टर 1 वंदना, पेज नंबर 22। तो वंदना मतलब किसी ऐसी पोएम को वंदना कहते हैं जिसमें कि ईश्वर की या देवताओं की पूजा करी जा रही हो या उनका धन्यवाद, थैंकफुलनेस हो उनके लिए। उसमें प्रेयर भी शामिल होती है, हम प्रार्थना भी कर सकते हैं उसी वंदना में, और अल्टीमेटली भगवान की या देवता की या किसी की भी उसमें तारीफ करी जाती है और थैंकफुलनेस शो की जाती है। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ रखा है, आइए सीधे सीधे शुरू कर देते हैं। तुमने यह संसार बनाया, सुख सुविधा से इसे सजाया, तुमने सूरज को गर्माया, चांद सितारों को चमकाया। तुमने यानी किसने? प्रभु ने, भगवान ने, ईश्वर ने, है ना, संसार बनाया है, बहुत सारी सुख सुविधाएं इसमें रखी हैं, हमारे काम की हर चीज़ हमें दी है और फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। पानी दिया है पीने के लिए, धूप दिया है, रोशनी और ऑक्सीजन यानी कि हमारी हवा, और पेड़ पौधे दिए हैं, फूल दिए हैं और आहार दिए हैं तरह तरह के, है ना। और तुमने सूरज को गर्माया, ये गर्मी भी बहुत ज़रूरी है, केवल रोशनी नहीं, इस गर्मी से ही तो ज़िंदा है सब कोई, है ना। और चांद सितारों को चमकाया, तुमने पर्वत शिखर बनाया और सागर को लहराया, तुमने चिड़ियों को चहकाया और कोना कोना महकाया। देखिए, मैंने फूलों की बात करी थी, कोना कोना महकाया, चिड़ियों को चहकाया, है ना, जीवन दिया सबको, सागर को लहराया, प्रकृति में, नेचर में जो कुछ भी बड़ा या छोटा कुछ भी हो रहा है वो सब भी आपने ही बनाया है, और पर्वत शिखर बनाया, ये भी वही नेचर का ही पार्ट है, बड़े बड़े पर्वत भी बनाए हैं, छोटे छोटे चींटी और बैक्टीरिया भी बनाए हैं, है ना। ईश्वर तुम हो बहुत महान, हमको दो इतना वरदान, पढ़ लिख कर हम बने विद्वान, सबको समझें एक समान। तो ईश्वर आप बहुत महान हैं, बहुत बड़े हैं, और हमको इतना वरदान दीजिए, हमें ये वरदान को कैसे समझाऊं, बस हमको कुछ चाहिए वो दीजिए, है ना, कि हम क्या बने, क्या दीजिए हमें, रुपए पैसे नहीं दीजिए, है ना, रुपए पैसे नहीं मांगे, खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं मांगी, कपड़े नहीं मांगे या गैजेट्स नहीं मांगे, क्या मांगा, कि हम पढ़ लिख कर यानी शिक्षित होकर कैसे बने, विद्वान बने, स्कॉलर्स बने। ठीक है, जब हम स्कॉलर्स बनेंगे तो हर चीज़ की वैल्यू भी करेंगे और लोग भी हमारी वैल्यू करेंगे और ज़रूरत की सब चीज़ें हमारे पास अपने आप ही आएंगी। ठीक है, और सबको समझें एक समान, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन हो गई आज के रेफरेंस में। तो एक समान समझने की फीलिंग हम में आनी चाहिए, है ना, पहली बात तो इंसानों में, कोई गरीब या अमीर वो तो हर एक की परिस्थितियाँ होती हैं ना, सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसे हम ना समझें, कोई इंग्लिश अच्छी बोलता है, कोई कम अच्छी बोलता है, कोई सुंदर है, कोई कम सुंदर है, तो ये ऐसे ना समझा जाए, एक समान समझा जाए, कोई किसी दूसरे कम्युनिटी का है ना, दूसरे धर्म को मानता है, किसी दूसरी कास्ट का है, तो ऐसे भी ना समझा जाए, इस तरह से असमानता ना हो। तो ये तो इंसानों की बात हो गई, और कोई जानवर है, कोई इंसान है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, तो सबको एक समान समझें हम। ठीक है, तो चलिए, ये तो रिवीजन में ही हमने बहुत सारी डिटेलिंग पढ़ ली है, जल्दी से जा जाते हैं अपने, आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करते हुए पुनः लिखिए, लिख तो आप चुके हैं, भरा हुआ है आपका ये सारा, लेकिन उच्चारण करिए मेरे साथ, चांद, और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करिए। अब चांद तो पढ़ना है आपको, लेकिन
अंक की मात्रा नहीं पढ़नी, ये जो इसमें बिंदी लगी है ना चंद्र बिंदु, तो कैसे पढ़ेंगे इसे? मैं पढ़ के सुनाऊं? चाँद, ठीक है। अब अंक की मात्रा लगा दीजिए, चंद्र बिंदु लगा दीजिए, चांद, राइट। पर्वत, इस पे तो कोई मात्रा है ही नहीं। आप अगर मैं आपसे कहूं कि आ की मात्रा के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, इसमें पहले प पे लगाइए क्या बनेगा, फिर व पे लगाइए क्या बनेगा, फिर त पे लगाइए क्या बनेगा। ऐसे ही फन के लिए करना है, और हमारी मात्राओं का अभ्यास भी होगा, है ना, उच्चारण भी बहुत अच्छा होगा, मीनिंगलेस नहीं होगा वो वर्ड। पर्वत है तो उसे पार्वत बोलना पड़ेगा, है ना, कोई बात नहीं। अब वा पे लगाइए पर्वात, अब ता पे लगाइए पर्वता, राइट। तो क्या बोल पाते हो क्या? नहीं। विद्वान, इसमें आपको क्या करना है, विद्वान तो बोलना ही है, और अब की बार ई की मात्रा वा से हटा के ना पर लगा के दिखानी है मुझे, और मैं बोलूंगा भी नहीं। ई की मात्रा कहाँ से लगा दोगे? वा से हटा दोगे विद्वान में से, और ना पे लगा दोगे छोटी ई की मात्रा, फिर क्या बनेगा? आप भी बोलिए और घर वालों को भी चैलेंज दीजिए। शिखर, शिखर में भी आपको ऐसे ही करना है, एक बार खा पे लगानी है वहां से हटा के शा से, और एक बार रा पे लगानी है खा से हटा के फिर, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड्स दो बन जाएंगे, और देखते हैं हु डेयर्स टू स्पीक हेयर, है ना, ऑडियो कौन बना के भेजता है इन वर्ड्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस संसार को किसने बनाया है? उत्तर आपके पास तो लिखे हुए हैं, उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए, याद करने मतलब टेस्ट लीजिए अपना कि आपको याद है या नहीं, और फिर चेक कीजिए, और फिर दोबारा से नोटबुक में लिखिए। प्रश्न भी लिखना है, उत्तर भी लिखना है। सेकंड है ईश्वर को, ईश्वर ने किसको चहकाया है, और ग है सबसे महान कौन है। घ और ज्ञा, ये घ और ज्ञा वाले हैं ना, ये हमने छोड़ दिए थे, इन्हें अभी भी आप छोड़ दीजिएगा। फिर च आ जाएगा, बच्चे भगवान से क्या वरदान मांग रहे हैं, ठीक है। आप ये आपके फिर से भरे हुए हैं, इनको बस एक बार पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। सही विकल्प भी हैं आपके पास लिखे हुए हैं, इनका टेस्ट खुद से लीजिए। संसार को किसने बनाया, हमने सबको कैसा समझना चाहिए, एक समान समझना चाहिए। और आप इस पद्यांश को पढ़िए, वहाँ लिखा होता है पैराग्राफ के लिए गद्यांश, स्टोरी वगैरह में है ना, पद्यांश आता है पोयम के लिए। तो ईश्वर तुम हो बहुत महान, हमको दो इतना वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान, सबको समझे एक समान। बच्चे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं। डैश तुम हो बहुत महान, ईश्वर तुम हो बहुत महान। नीचे लिखे शब्दों में आ की मात्रा वाले शब्दों को चुनकर लिखिए। तो महान तो लिखे ही हुए, और भी हो तो लिख दीजिएगा ऊपर से, ठीक है। वरदान और समान तो लिखा ही हुआ है, इन्हें दोबारा लिखना है मेरे ख्याल से, हाँ ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे इसके बाद देखो पर्यायवाची, पर्यायवाची मीन्स सिनोनिम्स या सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स। पर्वत का है आपके पास लिखा होगा, पहाड़, संसार, जगत, तो इसका टेस्ट लेना है आपको, हाथ लग लीजिएगा ऊपर, है ना, ईश्वर और सूरज, तो दो दो होने चाहिए आपको पता सबके, पर्वत के दो, संसार के लिए भी दो, ईश्वर के लिए भी दो, और सूरज के लिए भी दो वर्ड्स, ठीक है। बस यही था आज के उल्लास में, उल्लास के साथ शुरू किया था, उल्लास के साथ खत्म करेंगे, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे ग्रामर, हिंदी ग्रामर और साइंस। बाय बाय।